सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज के एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिविक के सबसे बड़े हॉट ड्रॉप में से एक कैपग्रास के ऊपर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो जितने भी सारे बंदे कैपग्रास उतरते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पहली बार तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो बाकी विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आप गए सबसे पहले ट्रिक के अंदर, आपको कैपग्रास के स्टार्टिंग में आपको सामने की तरफ ये जो येलो हाउस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जब भी आप कैपग्रास के अंदर इस टाइप के घर में पुश करते हो तो गाइस मोस्टली यहाँ पर बंदे क्या करते हैं, सीढ़ियों के पास गाइस कुछ इस टाइप से टीपी भी लेके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर पुश करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। अगर बंदा आपके हेड पे एम लेता है तब तो गाइस आप इजिली नॉक एंड फिनिश यहाँ पर हो सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर सीढ़ियों से डायरेक्टली पुश करने के बजाय आपको इसके पीछे की साइड आ जाना है एंड यहाँ पर आपको जो टेबल देखने को मिल जाता है, इस टेबल से होते हुए आपको सामने की तरफ कुछ इस टाइप से जंप एंड ग्रैब करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली के टॉप पर आ जाओगे एंड एक बार आप यहां पर आने के बाद जितने भी सारे बंदे अंदर की तरफ होल्ड करके बैठे होंगे आप पीछे से आके उन्हें बिल्कुल ही सरप्राइज अटैक यहां पर दे सकते हो। और कोई बंदा किसी भी क्वेस्ट पर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई पीछे से भी आके उनके ऊपर अटैक कर सकता है और इन गेम इसका पूरा का पूरा फायदा आप यहां पर उठा सकते हो। अब गाइस अगले ट्रिक जो हमारी होने वाली है वो बहुत ज्यादा यूनिक यहाँ पर होने वाली है। अब गाइस कैपग्रास के मेन रोड के साइड में आपको सामने की तरफ ये जो कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर समझो गाइस सामने की तरफ एक स्क्वाड है जो आपसे फाइट कर रही है, आप या फिर आपका कोई भी टीममेट एक बंदे को यहाँ पर डाउन कर देता है तो अगला स्टेप हमारा होता है कि भाई उनके ऊपर पुश करने का। तो गाइस उनके ऊपर पुश करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, सिंपल से आप यहाँ पर नीचे की साइड से पुश करते हो जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो गाइस इन गेम आपके सामने कभी भी ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ से घूम के जाने के बजाय आपको यहाँ पर क्या करना है, तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपल से इस घर के रेलिंग के ऊपर की साइड आपको आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल से सामने की तरफ एक जंप एंड ग्रैब करना है तो आप इजीली यहाँ पर आ जाओगे एंड एक बार आप इसके टॉप पर आने के बाद इजीली आप सामने की तरफ बालकनी से होते हुए इसके फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हो और जो भी बंदा अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव दे रहा होगा विद इन सेकंड्स के अंदर आप पीछे से आके बिल्कुल ही सरप्राइज अटैक यहाँ पर उन्हें दे सकते हो एंड बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इतना फास्टली उनके ऊपर रश हो सकता है। आप कैसे यार देखो हमारे अगले ट्रिक के अंदर कैपग्रास में बहुत बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है, आप जो है इस टाइप के घर में होते हो और बंदे जो है इस पहाड़ी के ऊपर की साइड रहते हैं एंड यहाँ पर ना गाइस उनके ऊपर फाइट लेने की हमें चांस ही नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप इस टाइप के कंपाउंड में होते हो तो यहाँ पर देखो हमें सामने की तरफ एंगल ही नहीं मिलता बंदों को मारने के लिए, बस हमें यहाँ पर दो छोटे से विंडो देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर फाइट ले सकते हैं। बट एक ही विंडो पे आप बार बार पीक करोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पर नॉक होने वाले हो। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपल से करना क्या है, इसके घर के टॉप पर आपको यहाँ पर आ जाना है एंड एक बार आप इसके टॉप पर आने के बाद पूरा का पूरा पहाड़ी का बढ़िया एंगल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड इसी चीज का एडवांटेज उठा के आप बंदों को काफी आसानी से नॉक एंड फिनिश यहाँ पर निकाल सकते हो। और ये जो प्लेस होती है गाइस बंदे के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होती है जिसकी वजह से ना आप गाइस बंदों से आप काफी आसानी से फाइट ले सकते हो और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छा खासा कवर भी देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से ना गाइस आपके फाइट जीतने के चांसेस बहुत ही हद तक यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब गाइस यार देखो हमारी अगले ट्रिक करने के लिए आप लोगों को कैपग्रास के कॉर्नर में आपको सामने की तरफ आपको जो छोटा सा कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो गाइस इस कंपाउंड के साइड में ना आपको ग्रास से बनी हुई वॉल देखने को मिल जाती है, आपको सिंपल से इस वॉल के ऊपर की साइड आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको सीधा इसके टॉप पर क्लाइम कर लेना है तो आप इजिली इसके टॉप पर आ जाओगे एंड एक बार आप इसके टॉप पर आने के बाद पूरा का पूरा कैपग्रास का व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सामने की तरफ जितने भी सारे घर दिख रहे होंगे वो पूरे के पूरे आपके टारगेट पे यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर बैठे बैठे आप किसी भी बंदे को इजिली सरप्राइज अटैक यहाँ पर दे सकते हो और कोई बंदा किसी भी क्वेस्ट पर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई यहाँ पर भी होल्ड करके बैठ सकते हैं और इन गेम इसका पूरा का पूरा फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हो। अगर आप चाहो साइड में आपको जो कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके ऊपर भी आप यहाँ पर काफी आसानी से जा सकते हो। अब गाइस यार देखो हमारी अगले ट्रिक के अंदर आपको सामने की तरफ कैपग्रास में इस टाइप का घर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये सिर्फ कैपग्रास में नहीं बल्कि आपको लिविक मैप में जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के घर। तो गाइस आपको जहां पर भी इस टाइप का कंपाउंड मिले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको इसके बालकनी के अंदर की तरफ आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको इसके टॉप पर यहाँ पर क्लाइम कर लेना है तो आप इजिली इसके टॉप पर आ जाओगे एंड इस कंपाउंड के टॉप पर आपको जो चिमनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके ऊपर की साइड आके जैसे ही अपना कैरेक्टर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तो आप इजिली इस चिमनी के अंदर की तरफ आ जाओगे एंड एक बार आप यहाँ पर आने के बाद ना गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से है पूरे के पूरे कैपग्रास को होल्ड करने का। अगर इनके कभी भी ये वाली लोकेशन पे लास्ट जोन बन जाता है ना तो ये वाली प्लेस आपके लिए इनके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड जाने से पहले अपने स्क्वाड के साथ ये वाली वीडियो को जरूर से शेयर करना है। तो मिलते सीधा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।